हेलो गाइस, आज हम 6 एम्पियर 6 मॉड्यूल का कंट्रोलर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ओके, 6 स्विच, एक स्विच पे 3 एम्पियर का लोड है। तो हम ऐसे वायर कट कर लेंगे, इतने वायर कट कर लेंगे, 6 पीस। एक हमारा कॉमन आ गया, ये सी कॉमन, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। हम ये ऐसे तार काट लेंगे, ऐसे तार काट के, और ये डू नॉट कनेक्ट एसी सप्लाई की तरफ, इसको हम जोड़ देंगे। और इसके बाद इस तरफ न्यूट्रल फेस का वायर इतना काट लेंगे, ऐसे काट के इसको हम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें इस कनेक्शन को देना है, यानी ये हमारे जो हाफ वायर हैं, ये एलईडी लाइट के हाफ वायर हैं जो हमारे कंट्रोलर में लगने हैं, और यही से कंट्रोलर से एक्टिव होंगे। तो हम इनको खोल लेंगे। ओके, हमने ये वायर खोल लिए हैं यहाँ से स्विच में से, ठीक है। अब हम इस वायर को इस तरफ कनेक्ट करेंगे, इस तरफ न्यूट्रल फेस है। ओके, तो S1 पॉइंट S2 S3 में लगाएंगे, ये इनमें 6 पॉइंट में हम एलईडी का हाफ वायर लगाएंगे। ओके, तो चलो लगाते हैं। ठीक है गाइस, देखिए मैंने ये हाफ वायर को सबको लगा दिया है, ठीक है। ये मैंने हाफ वायर ये इस तरफ लगाते हैं, जिस तरफ न्यूट्रल फेस लिखा हुआ है, इस तरफ मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब हम जो इस तरफ के वायर के जो काट के हमने कनेक्ट किया है, हम इसको इस वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाएंगे, ठीक है। तो चलो लगाते हैं। ओ गाइस, हमने ये जो हमने जो इसमें तार काटे थे वो हमने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में लगा दिया है, ठीक है। अब जो हमारा एक तार जो बचा है, जहां पर ये सी लिखा है, ओके, जहां पर ये सी लिखा है, सी पॉइंट का तार निकाल के, ये सी पॉइंट का हमें ये स्विच के निचले हिस्से में लगाना है। ओके, स्विच के निचले हिस्से में लगाना है। ध्यान रखें कि ये नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल कॉमन करना है, और ये इनमें एसी सप्लाई बिल्कुल नहीं देना है। ओके, तो हम इसमें ये सी पॉइंट को, सी वाले पॉइंट को हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, लगाते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने ये लगा दिया, ठीक है गाइस। अब हमने ये सी पॉइंट को लगा दिया हमने स्विच के निचले हिस्से में, ठीक है। निचले हिस्से में कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है और बिल्कुल नहीं देना है हमें, ये सी पॉइंट कंट्रोलर का सी पॉइंट में लगा दिया, कॉमन, डू नॉट कनेक्ट एसी सप्लाई, न्यूट्रल फेस को लगाएंगे, ठीक है। इसमें इस तरफ न्यूट्रल फेस है, ठीक है गाइस। अब हमने कनेक्शन कर दिया फेस एंड न्यूट्रल, ठीक है, सब कनेक्शन कर दिया। अब हम इसको ऐप से बताएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंस्टॉल करना। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम होम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, जहां पर हमने इंस्टॉल किया उनके वाईफाई से अपने फोन को कनेक्ट करना है, ठीक है। उनके वाईफाई के फोन से कनेक्ट करने के बाद उसके बाद मेरा ऐप को डाउनलोड करेंगे, आईडी पासवर्ड बना लेंगे, साइन अप करेंगे पहले। ओके, साइन अप करने के लिए पहले उनका कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा। आप जैसे ही कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी डाल के फिर ये एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें अब ये ऐप इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये हम
कोई भी वो ले लेंगे, जैसे ये ऐड ऐड अ न्यू रूम, तो इस पर क्लिक करेंगे। हमने अगर बेडरूम में लगाया तो बेडरूम में, लिविंग रूम में लिविंग, अपने जहाँ भी लगाया है उस पर क्लिक कर लेंगे। तो मैंने ये ऑफिस स्पेस में लगा रखा है, तो मैंने ऑफिस स्पेस का बना लिया था, मैंने इसमें गोडाउन लिख दिया है, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन किया। उसके बाद ये वाईफाई रेट्रोफिट कंट्रोलर, इस पर क्लिक करना है, ओके, रेट्रोफिट पे क्लिक किया। उसके बाद ऐड डिवाइस, ऐड डिवाइस पे क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा S1 पॉइंट है, जो हमारा ये S1 पॉइंट है, जहां पर डू नॉट एसी सप्लाई लिखा हुआ है, डू नॉट कनेक्ट एसी सप्लाई, जो उसका S1 पॉइंट है, और S1 पॉइंट का जो हमने स्विच में कनेक्शन दिया है, ठीक है, इस वाले स्विच में कनेक्शन दिया है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने S1 जो पॉइंट है उसको कौन से स्विच से कनेक्ट किया है, ठीक है। उसको हम 4 times ऑन ऑफ करेंगे, ओके, 4 times, 1, 2, 3, 4, ओके। उसके बाद हम आ जाएंगे ऐप में, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये देखिए आ गया स्मार्ट रेट्रोफिट कंट्रोलर पैनासोनिक, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे, हमने इस पे क्लिक किया, जो उनके होम वाईफाई जो है उसी वाईफाई से कनेक्ट करना है, और उनका पासवर्ड डाल के कनेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक। उसके बाद गो टू सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऐसा आ जाएगा, पैनासोनिक का डिवाइस आ जाएगा, ठीक है, पैनासोनिक का वाईफाई आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे बैक ऐप डिवाइस में, उसके बाद कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये प्रोसेस ऐसे घूमेगा, उसके बाद आप ये देखेंगे नीचे ऑप्शन रहा है कनेक्टेड, इसका मतलब हमारा डिवाइस कनेक्ट हो गया, अब ये वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया सेटअप। उसके बाद डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद हम ये देखेंगे हमने जो क्रिएट किया था रूम वो उसमें ये आ चुका है, गो डाउन 6 devices, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, अब हम इसको देखेंगे ऑपरेट करके, ओके ओके ऑपरेट करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे, अभी देखिए इसको ऑन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप रोशनी देखिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके।